हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंड लाइन स्टॉक्स। देखिए, आज के मैजिकल सेशन के बाद में निफ्टी का एक मैजिकल सेशन ही कहूंगा मैं। जिस तरीके से सेल ऑफ आया पहले कुछ घंटों में और उसके बाद में जो रिकवरी आई है वो वाकई में एक सरप्राइजिंग रिकवरी थी। उसके पीछे का कारण समझ पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी आप सभी के लिए, अगर आप ऑप्शंस में या ओवरऑल एफ एंड ओ में ट्रेड करते हैं, तो वो हम डिटेल में समझेंगे। देखिए निफ्टी टुमारो की आज की वीडियो में। हाल फिलहाल आज की वीडियो की सीरीज में शुरुआत करने जा रहा हूं टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर से, जिसमें तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एंड आज एक बार फिर से 1370 रुपए के आसपास नया 52 वीक हाई लगाया है। तकरीबन 3% की तेजी यहां पर देखने को मिली है टाटा स्टील के अंदर। इनफैक्ट अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो ओवरऑल वही एक ऐसा सेक्टर है जो निफ्टी को बार बार सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज के इस बड़े मूवमेंट के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर सबसे पहले डेटा देख लेते हैं इसका। 28 जुलाई 2021 यानी आज ही एक नया 52 वीक हाई लगाया टाटा स्टील ने और 342 रुपए का है 52 वीक लो 24 सितंबर 2020 का। तो ऑलमोस्ट ये भी 4 से 5 गुना हो चुका है सितंबर 2020 से और अभी तक। अगर आप देखेंगे, अगर आप सिक्योरिटी वेज डिलीवरी पोजीशंस देखते हैं तो देखिए तकरीबन 20% के आसपास यहां पर आती हुई नजर आ जाएंगी आपको। तो क्यों देखिए इतना बड़ा मूव देखने को मिला है स्टील सेक्टर के लिए। ओवरऑल एक न्यूज आई है चाइना की तरफ से कि चाइना लुक्स टू एड मोर एक्सपोर्ट टैरिफ्स टू टेम स्टील सेक्टर। चाइना के अंदर स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने ओवरऑल चाइना की सिरदर्दी बढ़ा रखी है। इतने हाई इन्फ्लेशन के ऊपर चाइना का ग्राफ पहुंच चुका है और उसका कारण है बढ़ते हुए स्टील के दाम। पिछले 2 महीनों में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स करे हैं स्टील सेक्टर के प्राइस को कम करने के लिए चाइना के अंदर। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली एक्सपोर्ट के ऊपर काफी बड़ा कट लगाया। उसके बाद देखिए चाइना ने अपने इंटरनल रिजर्व्स खोल दिए सो दैट की वैल्यू को कम किया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके। और अब देखिए एक नया डेवलपमेंट यहां पर सामने आया है कि एक्सपोर्ट करने पर चाइना ने कुछ नए टैरिफ्स, कुछ और टैरिफ्स लगा दिए हैं या लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से आज ओवरऑल हमारे डोमेस्टिक कंपनीज जो है स्टील सेक्टर के अंदर उसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। देखिए जब एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा इट मींस के चाइना से बाहर जाने वाला स्टील बेसिकली महंगा हो जाएगा और इसीलिए देखिए चाइना से कोई और कंट्री इंपोर्ट करने का नहीं सोचेगी जल्दी से। उसका फायदा सीधे सीधे इंडिया को मिलेगा, यानी कि इंडिया के जो घरेलू प्रोड्यूसर्स हैं उनका एक्सपोर्ट करने की पावर बढ़ेगी, उनका स्टील सस्ता होगा तो जल्दी बिकेगा एंड ओवरऑल बिजनेस ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा स्टील सेक्टर के अंदर इंडिया में। हाउएवर देखिए जो चाइना है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। जितना ज्यादा स्टील चाइना प्रोड्यूस करता है उतना पूरी दुनिया में कोई और कंट्री नहीं करती है। तो ये ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट चाइना के अंदर हो रहे हैं ये आप इसको टेम्परेरी मान सकते हैं, यानी कि कुछ महीनों तक देखने को मिल सकते हैं जब तक सिचुएशन वहां पर नॉर्मल ना हो। एक बार सिचुएशन वहां पर नॉर्मल होंगी तो डेफिनेट सी बात है वापस से इन टैरिफ्स को हटा दिया जाएगा एंड एक्सपोर्ट शुरू हो सकता है चाइना से। अब ये कितने टाइम में होगा सा कहना अभी कुछ मुश्किल ही है, लेकिन इसका फायदा आप स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ में ले सकते हैं जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील। तो देखिए चार्ट्स के ऊपर यहां पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से अभी एक अपॉर्चुनिटी हम लोग तलाश सकते हैं टाटा स्टील के अंदर। पिछले 4 दिनों से लगातार नए 52 वीक हाई लगा रहा है टाटा स्टील और इस वक्त 1368 रुपए पर क्लोजिंग दी है। अब देखिए इन लेवल से डेफिनेटली आप इन्वेस्टिंग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये बहुत हाई लेवल्स हैं। हालांकि स्टील सेक्टर के अंदर ये कहा जा रहा है कि स्टील सेक्टर में एक बड़ा बिग बुल रन आ चुका है जो आने वाले 10 सालों तक चालू रहेगा। लेकिन देखिए अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको स्विंग्स पकड़ने होते हैं एंड एंट्री एंड एग्जिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए सो दैट कि आप कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। अब देखिए इन लेवल्स पर ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था जो इसने बेसिकली ब्रेक किया था ये मैं मार्क करने जा रहा हूं 1250 रुपए के आसपास ये इसने जो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था 20 जुलाई 2021 को वहां से भी ये तकरीबन 120 रुपए ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप देखिए इन लेवल से लॉन्ग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर एक पोटेंशियल अपसाइड है क्योंकि RSI इसका अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है। 74 पॉइंट्स के आसपास फ्लोट हो रहा है एंड स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली इस मोमेंटम में ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद में कहीं कूल ऑफ होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये देखिए ऊपर की तरफ जाए, पीक बनाए यहां पर ओवरबॉट जोन में, तब तक इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं जो मुझे फर्दर
अभी भी देखिए इसके अंदर तकरीबन 1440 रुपए के आसपास की लगती है। तो 1440 तक के टारगेट्स आपको टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन करंट लेवल से अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं 1370 रुपए के आसपास का प्राइस है, यहां से अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो पहला टारगेट आपको 1440 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। हाँ, डेफिनेट सी बात है कि आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होगा, और स्टॉप लॉस देखिए मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस बैठता है वो तकरीबन प्रीवियस स्विंग हाई जो रहा है इसका 1270 का, वहां पर ही दिखाई दे रहा है। उससे पहले मुझे कोई भी इसका सपोर्ट या स्टॉप लॉस नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो डीप है, 1270 तकरीबन 100 रुपए नीचे यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 1440 का टारगेट है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से टेक्निकली तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को प्ले जरूर करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के अंदर ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर देखिए मैंने जो स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको दी हैं टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ में, काफी अच्छा परफॉर्मेंस उन स्टॉक्स ने दिखाया है। यहां पर सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि काफी अच्छे मूव्स उनके अंदर आ चुके हैं, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का मूव अब मार्केट्स के अंदर आ सकता है। मैंने कल भी निफ्टी टुमारो की वीडियो में जिक्र किया था कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, एक रेंज में जरूर है लेकिन ऑल टाइम हाई की रेंज में ही है, और वहां से 5-7% का मूव किसी भी डायरेक्शन में आना संभव है। तो प्रॉफिट्स को टाइमली बांधें, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अपोलो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अंदर आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और आज हमें काफी जबरदस्त लगभग 125 रुपए का मूव उसमें अंदर देखने को मिला है। केपीआर मिल्स के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि देखिए स्टॉक स्प्लिट होने वाला है 1:5 के लिए, 1:5 की रेशो में, लेकिन उसकी जो न्यूज है वो एक्चुअली में कल डिस्काउंट हो चुकी है, ज्यादा बड़ा मूव यहां पर आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज वहां पर तकरीबन 20-30 रुपए तक की भी गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो एसबीआई लाइफ की मैं बात करूंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर मूव्स बनते हुए दिखाई दिए। तो आपने अगर पोजीशंस बनाई हैं उन सारी टारगेट्स के हिसाब से, उन सारे स्टॉप लॉसेस के हिसाब से, तो अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक कीजिएगा। एंड देखिए फर्दर टाटा स्टील के अंदर इस तरीके का आप ट्रेड ले सकते हैं, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा के जरूर लें क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत एक्साइटेड जोन के अंदर ये आ चुका है। तो देखिए जब तक यहां पर कोई बेस ना बन जाए, यानी कि इन लेवल्स में ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ना हो जाए कुछ दिन के लिए, तब तक बेसिकली एक अनस्टेबिलिटी स्टॉक के अंदर जरूर होती है इन लेवल्स पर, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। इसलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा कैपिटल लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए एटलीस्ट ऐसे स्टॉक्स में जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हो वहां पर बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग मत लीजिएगा, एंड इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेटजी टाटा स्टील के अंदर बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।